आप तो बहुत अच्छे होंगे एंड गाइस फाइनली आज है मेरी सिस्टर की शादी। सो अभी 8:30 बजे जस्ट मैंने कवर लिया है। दीदी ना रुद्र को यहाँ पे तैयार कर रही है इसलिए वो रो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे सब लोग तैयार हो रहे हैं होटल जाने के लिए। रुद्र छे हाय हाय करते ना। हाय क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? नहीं तैयार नहीं होना है, नए कपड़े पहन के नए कपड़े पहन के तैयार होना है ना। जाना है ना मौसी की शादी में। हाँ मौसी की शादी में जाना है ना, तो तैयार हो जाओ। रो मत। बुआ के पास। हाँ बुआ बुआ के पास ठीक है। सो गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं और अभी सब लोग लगभग लगभग मतलब तैयार हो गए हैं और थोड़े बहुत लोग रह गए हैं नहाने धोने के लिए। सो नहा धो रहे हैं। सो गाइस अभी मैं आई थी छत पे ये बैग वगैरह निकालने और एक दो बैग और निकालना है ले जाने के लिए। और अभी लगभग 9:30 हो गए हैं और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। और मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। मैंने पहना है ये बहुत सिंपल सी कुर्ती और मेकअप कुछ भी नहीं किया, बस बिंदी लगाई है, लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है बस। और अभी ना हेयर वॉश किया है तो कॉम्ब करना है और सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। सो गाइस अभी सब लोग हो गए हैं तैयार और अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले थोड़ा नाश्ता करेंगे ना। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सब लोग नाश्ता करने और नाश्ते में आज बनवाया है आलू की सब्जी और पूड़ी। सो अभी मैं यहाँ पे मम्मी के साथ बैठ के खा रही हूँ क्योंकि ना उतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी के साथ ही जो भी थोड़ा बहुत खाना है वो खा लेती हूँ और फिर हम सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो अभी ना दो गाड़ियाँ आगे खड़ी हो गई हैं कि ना जिन लोगों ने कर लिया है, तो पापा बोल रहे थे ना थोड़े थोड़े लोग करके जाएंगे। तो अभी जो गेस्ट वगैरह है ना घर पे जैसे बुआ जी वगैरह हैं तो पहले हम लोग उनको भेजेंगे फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। सो अभी यहाँ पे पापा भाई और दुकान का जो भी स्टाफ वगैरह है ना वो सब लोग खाने बैठ गए हैं। सो अभी हम लोग खाना खाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो बने रहिएगा लास्ट तक। और हाँ मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है सो मेरी वॉइस थोड़ी चेंज हो गई है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। आज क्या है लाड़ो? मुझको नहीं पता यार क्यों बेइज्जती करा रही हो। मिलाने की वाली की शादी मजाक करेंगे ना। कौन की सहेली चली गई है? ओहो इरा की सहेली चली गई है होटल, ये रह गई है अकेली इसलिए ये हो गई है गच्छा। कितने मजे करेंगे आज? बहुत मजे करेंगे, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मजे करेंगे। हाँ गाइस ये जो मेहंदी देख रहे ना अभी भैया ने लगाई कितनी अच्छी लग रही ना। ये वाली मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। आप भी दिखाओ देखो हमारे बाबू। हेलो गाइस हेलो कर दो। हेलो पगला है ये दिखाओ। गाय दीदी की लगा लगा रही है दीदी। गिफ्ट आ गया आपका चाचा? गिफ्ट आ गया। मैं सो गई थी तो खराब हो गई है थोड़ी सी आगे। हम सब लोगों ने ऐसी लगाई है और पीछे छड़ना लगाया। ये पूरे को तिरछा बनाया है देखो। ये वाला डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इस सब का कैलेट डाटा है इनको। और सोनी मोनी तो मम्मी कहाँ है? मम्मी गर्दन दबा रहे हो मामा की? तो गर्दन दबा रहे हो मामा की? तो गर्दन दबा रहे हो मामा की? लग नहीं रही है मामा के? लग नहीं रही है। गाइस से जाने में ना इतना अजीब सा लग रहा है कि ना जब अभी हम लोग जा रहे हैं तो मीनाक्षी से हमारे साथ जाएगी और जब हम लोग घर वापस आएंगे तो मीनाक्षी हमारे साथ नहीं होगी। इस चीज़ को लेके ना इधर से धक धक हो रही है और इतनी यहाँ पे ना बहुत अजीब सा लग रहा है।
एंड गाइस जस्ट अभी डिसाइड हुआ है कि मीनाक्षी यहाँ से जाएगी सीधी पार्लर, क्योंकि पार्लर वाली दीदी का आया था फ़ोन, तो वो बोल रही थी ना कि आ जाओ एक मतलब रिलैक्सिंग फेशियल देंगे मीनाक्षी को, तो उसको करा के उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये वो वगैरह वगैरह पता नहीं बोल रही थी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, तो मीनाक्षी के साथ जा रही है दीदी, क्योंकि मीनाक्षी अभी अकेले नहीं जाएगी, क्योंकि अभी उसकी हल्दी वगैरह मेहंदी वगैरह सब लग गई है, सो अब वो बढ़नी है, तो इसीलिए वो अकेले नहीं जाएगी। और इस टाइम पे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ना मीनाक्षी हरी चूड़ियाँ पहन के मेहंदी मेहंदी लगा के जा रही थी, और अब वो आएगी जब उसकी विदा हो जाएगी जब, सो बड़ा अजीब सा लग रहा था इस टाइम पे। तो वो चली गई है और अभी थोड़ी देर में हम लोग भी निकलेंगे। गाइस लास्ट आधे घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं सूर्यांश के आने का, वो आ जाएगा तब हम लोग जाएंगे। जी देखो हीरा, साक्षी, पूजा दीदी, हम पांचों लोग यहाँ बैठ गए थे, हम लोग ना नीचे आ गए थे। और ये देखिए सपना का नाम भैया, ये कहते गाइस देखो हमारी राह को गुस्सा आ रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं। अब जब हम लौट के आएंगे तो मीनाक्षी सागी मम्मी की साड़ी सही कर दे, वो कंधे से कर दे यार। दीदी चप्पल पहने वो तो वैसे फाइनली 8-9 बजे का निकलने का पापा ने बोला था, फाइनल था ना 10 बजे निकलने का, और हो गए हैं 11:30। और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं, और पता है क्या, मेरी और साक्षी की ड्रेस ना इतनी मैचिंग हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, और हम लोग को ना पहले से इतना नहीं पता था कि ना इतना मैचिंग होने वाला है। सो बिल्कुल ही सेम कलर सेम प्रिंट बिल्कुल सेम लग रहा था। और अभी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है ना कि कौन कौन से गाड़ी में बैठेगा, सो वही सब है। और अभी हम लोग होटल पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं होटल, और यहाँ पे हो रही है डेकोरेशन शाम के लिए, सो कितना अच्छा लग रहा है ना। सो गाइज हम लोग आ गए हैं होटल, और देखिए और दीदी और मीनाक चली गई है पार्लर, और एक सामने वाला रूम खोला जा रहा है वो स्पेशली हम लोगों के लिए, हमारी